केशकाल नगर पंचायत में हुए फ्लोर टेस्ट में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के समर्थन में मतपंडी से अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया है। बता दें कि केशकाल नगर पंचायत के कांग्रेसी पार्षद द्वारा ही अपनी पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जहां पर भाजपाई पूरे समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ विरोध करते हुए नजर आए हैं। वहीं अंत में पार्टी के कुछ पार्षदों ने पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समर्थन में वोट डाले हैं, जिससे अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया है। बता दें कि कांग्रेस के 4 पार्षदों को पार्टी के खिलाफ वोट करने के आरोप में 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। 8/5/2023 को नगर पंचायत के स्थल अंतर्गत 1 बजे से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय के ये अविश्वास प्रस्ताव में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले को 15 में से कुल 8 मत प्राप्त की हुआ और रोशन जमील खान जो अध्यक्ष है उनको 7 मत प्राप्त हुए। इस कारण से 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से पास नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया। अविश्वास प्रस्ताव मेरे खिलाफ लाया गया था जो कि ध्वस्त हो गया है। मेरे पार्षदों ने मुझ पर पुनः विश्वास व्यक्त किया है और मैं उन लोगों को भी विश्वास दिलाता हूँ जिनके साथ मेरे साथ नहीं हुआ था, काम नहीं कर पाया था, उनके लिए भी मैं दिल खोल के काम करूँगा और इस अविश्वास प्रस्ताव को ध्वस्त करने में सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस की जीत है, हम लोगों के पक्ष में जो था 7 मिला और अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 8 वोट मिला, तो सीधा ये कि 6 वोट की आवश्यकता थी ये अविश्वास प्रस्ताव को ध्वस्त करने के लिए। हम उससे एक बढ़ के ही लाए हैं और हमारे जितने भी पार्षद हैं जिन्होंने सहयोग दिया उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जिन्होंने जो कांग्रेस के थे, जो कांग्रेस की टिकट लेकर कांग्रेस का सिंबल लेकर जो लोग चुनाव जीते थे, ऐसे मौका प्रस्तों को हम लोगों ने पार्टी से बाहर भी निकाल दिया, उनको 4 पार्षदों को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। मुंबई में 15 जून से शुरू हो रहे